चलें जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत भाई, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम वीरो एंड वीनियो, आज हमारा दिन शुरू हुआ बटर चिकन से, जो मैंने सुबह 9 बजे ही उठ के पकने के लिए रख दी थी। आज असी अपने घर मजदूरों को खाना देना सी और मैंने बनाई बटर चिकन, और साग पड़ा हुआ था पहले का, उसको तड़का लगाया, साथ बनाए चावल, और उनको 12:30 जो है ये लंच पहुंचाना था। उसके बाद मैंने दोपहर को जाना था कहीं, ज्वेलरी का बिज़नेस है उनका, उनको विज़िट करने के लिए, तो आगे व्लॉग में आप उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने तैयार की डब्बा जड़ा जिधे च खाने जाने सन, बटर चिकन। देखें इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, व्लॉग च मैं ऐड नहीं की थी क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ही लंबा हो जाना सी, तो अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी। तो इस तरह हमने डिब्बे वगैरह सारे रखे, चावल मैं बना ले सन ये कुकर में, नान हमने ग्रिल में गर्म कर लिए। तो ये देखें, इनको नान को भी हमने काट कूट के एल्युमिनियम फॉइल चला के यह भी मैं जड़ा ना सारा रख लिया। चावल बड़े ही ज़बरदस्त बने थे, टाइम इतना नहीं था क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 बजे उनकी तरफ भी जाना था, बस ये जल्दी जल्दी बना के उसके बाद गई, तैयार हुई जाके, तो बस फिर हम बिल्डर्स को ये खाना देने गए। चावल देखें कितने ज़बरदस्त बने, ये साग देखें कितना ज़बरदस्त, और ये सारा सामान हमने फिर पैक किया इस तरह से, बास्केट च रखिया, ये कार्डबोर्ड बॉक्स में ड्रिंक्स रखी, बॉटल्स रखी, जूस रखा, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड और रयान हम गए ये फिर उनको देने के लिए, सब बिल्डर्स को। हाँ जी, they loved it. हाँ, उनको बड़ा ही अच्छा लगा। ठहर जा तो तो ये हम इनको देने आए, फिर उन्होंने बड़ा ही वो इंतजार ही करते पे सन। साडा पहला किचन है, वेखो सारे खलोते इथे, फटाफट आ गए सारे खाने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम जी, देखिए मैं आई हूँ, एक ज्वेलरी है उनका बिजनेस ज्वेलरी का, उन्होंने इनवाइट किया है आज, तो हम देखते हैं कि उनके पास क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मेमूना? अब तो चलें जी, हम आए हैं मेमूना की तरफ आज ज्वेलरी देखने, आपको इनका सेटअप दिखाते हैं हम। ये देखें इनकी ज्वेलरी कितनी खूबसूरत है, अब मेमूना में बताएंगी। जी जी, पलवशा ये सब ब्राइडल ज्वेलरी है। अच्छा, मोस्टली मेरे पास ब्राइडल होती है। अच्छा, फुल कस्टमाइजेबल है। अच्छा, और माशाल्लाह मैं 7 इयर्स से काम कर रही हूँ। अच्छा, और यही यूके में ही। अच्छा, और ये सारा हैंडमेड है, आप ये सब देख सकती हैं। अच्छा, सब कुछ हैंडमेड है, और ये हम लोग जो बीज हैं ये सब इंडिया से मंगवाते हैं। अच्छा, इंडिया से मंगवाते हैं, हमारी अपनी जो है वर्कशॉप्स हैं लाहौर में। अच्छा अच्छा, और हमारे अपने कारीगर हैं, और ये 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड होता है। अच्छा, और के लिए अपने अपने ब्राइडल ड्रेसेस लेके। अच्छा, और यहाँ से वो ऑर्डर करते हैं जो उनको कस्टमाइज करना होता है, टीका बड़ा छोटा, झूमर, नेकलेस, चोकर, लॉन्ग नेकलेसेस, हैंड पीसेस, जो भी होता है वो ट्राई करती हैं। ऑनलाइन भी होता है हमारे जितने यूएस, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, वो सब ऑनलाइन हम लोग कंसल्टेशन करते हैं। अच्छा, तो इस तरीके वेरी नाइस। ये देखें जी इनकी इनकी कलेक्शन, इन्होंने आज स्पेशल मुझे इनवाइट किया था कि आप आए और आप देखें हमारी ज्वेलरी, तो मैंने कहा, और ये लोकल ही है, मेरे से इतना दूर भी नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलें भाई, व्हाई नॉट, चलते हैं और हम भी चल के ज्वेलरी देखते हैं इनकी। ये बड़ा ही खूबसूरत है भाई, ये वाला जो है देखें, तो मैं इनका जो है ना मेंशन करूंगी इनका पेज नेम, और आपका इंस्टाग्राम पे पेज है? जी जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे। जरा कितना खूबसूरत है ये। अच्छा, ये रिंग्स हैं साथ? जी, हैंड पीस है ना, इसके साथ 3 रिंग्स है, आप 5 रिंग्स भी करा सकते हो, आप 2 रिंग्स भी करा सकते हो। अच्छा, इसको इसको ऐसे पहनना है, एक सेकंड, ये रिंग्स, ये वाले पर मुझे उतारने, पूरा कस्टमाइजेबल है आपकी मर्जी। अच्छा, ये देखें भाई, आज हम तो तैयार हो गए, हांडी रोटी पका के इतने आके तैयार हो गए। मेरा गला देखो कैसे बंद हुआ है कोक पी के कल अफतारी में। हाँ, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बहुत खूबसूरत भाई, वेरी नाइस। आप लोग आए यहाँ पे, ना आ सको तो ID चले जाइए, ठीक है, वहां से ऑर्डर करें जाके खूबसूरत सी ज्वेलरी, ये वाली देखें। अच्छा, ये है लॉन्ग वाला,
ये हम ट्राई करने लगे हैं लॉन्ग माला इनकी। नीचे करो यानी जरा, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल है, आपको कितनी ऊपर नीचे करनी है, क्या करना है। हाँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। देखें कितना प्यारा है ये। ये इसका नेकलेस है, चोकर है ये वाला। अच्छा ये, अच्छा ये है, ये इसका। अच्छा मैमुना आप बता रही थी आप इंडिया फैशन वीक में भी गई जी, और इंडिया फैशन वीक, पाकिस्तान फैशन वीक, एशियन ब्राइडल शो। अच्छा। और इस तरह तीन चार शोज किए हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े जो पाकिस्तानी डिजाइनर्स हैं, हारिस शकील, सेलिब्रिटीज ने भी ज्वेलरी पहनी हुई है, फरियाल मखतूम ने पहनी है। हम लोग जितना कोलैबोरेट जिसके साथ साथ कर सकते हैं हम करते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो बस देखें, मैं यही इनको कह रही थी कि भाई तीन माशाल्लाह इनके बच्चे हैं और ये किस तरह से मैनेज करती हैं सारा कुछ, शौक और फिर घर से और बहुत अच्छे लेवल पे। तो ये देखें जी, हमने तो पहन लिया दुल्हन। हम तो दुल्हन तैयार हो गए, वैसे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है इसमें ही है। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत लगी है ज्वेलरी, और ऑब्वियसली अब इनकी आईडी मेंशन करूंगी, आप लोग भी विजिट करना इनका पेज इंस्टाग्राम पे, और कहाँ है, इंस्टाग्राम फेसबुक। अच्छा बस वहाँ पे चलें जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो अपनी गर्लफ्रेंड का घर देखें जी। हाँ माशाल्लाह बड़ा नाइस है, प्यारा है घर आपका, क्यूट। चलें अच्छा, कौन सी दिखाएं जरा। सऊदिया से कितनी प्यारी बनी हुई है ना, इस मुझे भी अच्छा लगता है, कोई पर्सनल बहुत अच्छा गिफ्ट बना। बिल्कुल बड़े प्यारे हैं आपके, पता चल रहा है कि आप सऊदिया से आए हैं। देखे हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ इस्लामिक लिख। हाँ बहुत प्यारे हैं ये भी, ये देखें ब्यूटीफुल। क्या है कि बस सब करती नहीं हूँ। हाँ बहुत प्यारे हैं, सही है। ये भी बड़े खूबसूरत है। तो ये इनकी जो है ना, ये इनकी इंडियन कलेक्शन है, अगर किसी ने ऑर्डर करनी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी। जो बड़े पहनते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी प्यारा है, नाइस। चलें जी हम जा रहे हैं, हम इजाजत दें, लवली टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से हम जब इनकी जो वीडियोस देखते हैं वो कुछ भी नहीं है, मैं आप सब लोगों को अभी बता रही हूँ, वो कुछ भी नहीं है। पर्सनली इनसे मिलके जो मुझे एक अच्छी वाइब्स और एक अच्छी बात महसूस हुई है ना, वो वीडियोस में नहीं होती। चलें आपका प्यार, ओके अल्लाह हाफिज। जब आए हैं हिना जी के घर आए हैं हम। वालेकुम सलाम, आहो सी लेट हो गए। ये देखो हिना जी समोसे जी, हिना जी बना रही है रोल। समोसे नहीं बना रही तुसी के, आहो समोसे ही निकल जाए, समोसे ही निकल जाए, समोसे नहीं मुकदे पे। आहो आहो, लाइट ऑन कर लो उधर। हिना जी बना रही, चल तू अपने रोल बना जाके। ओके जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले जी, इन्होंने बैठ नहीं दिता, इन्होंने और रोला पाया उत्थे, चलो चलिए। चले जी, इन्होंने बैठ नहीं दिता, इन्होंने और रोला पाया उत्थे, चलो चलिए। इतना रोला। बड़ा यूजफुल है यानी, सच तू तो अल्लाह ने मुझे ना गिफ्ट दिया, इतना प्यारा गिफ्ट, एंड यानी के नाम का पता क्या है, अल्लाह पाक का गिफ्ट। सो अल्लाह पाक ने ना ये गिफ्ट दिया मुझे, यानी हैं, इसलिए ना मुझे सताया ना करो, डोंट सता मी ऑल द टाइम। इधर कर दो, इधर आएगी, ए हाय लगना चाहिए। आ गई, बस पुट्ठी सीधी कर देने हैं पार्क। चलो गड्डी पार्क करनी, अगे नहीं जानती। तो ये है हमारी शाम की इफ्तारी, स्प्रिंग रोल्स, फ्रूट चाट और दही भल्ले, और खाना जो है सुबह जो मैंने बटर चिकन बनाई थी वो ही असी खावांगे शामी, और चावल मैंने आके साथ फिर दोबारा फ्रेश बना लिए। तो ये हमारी इफ्तारी, ये चने बड़े मज़ेदार बनते हैं, मैं इनकी रेसिपी भी
आपको दूंगी किसी दिन। तो ये मैं मोना का मैं टैग कर रही हूँ, आप इनकी आईडी को ज़रूर विज़िट करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।